हेलो स्टूडेंट्स, मैं फखरुद्दीन चिश्ती नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन आज बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। कौन से? मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसका नाम है हिंदी में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये अपन आज शुरुआत करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है क्षेत्र, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई बिंदु P है, इसकी स्थिति के जो निर्देशांक है वो क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, और ये इसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर, ठीक है। तो जो क्षेत्र है क्या है, किसी भौतिक राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। किसी भौतिक राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। भौतिक राशि के क्षेत्र को बच्चों दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अदिश क्षेत्र और दूसरा क्या है, सदिश क्षेत्र। मैं पहली बात करता हूं अदिश क्षेत्र की। अदिश क्षेत्र की मैं बात करता हूं। अदिश क्षेत्र क्या है? देखो, नाम से पता चल रहा है किसी अदिश राशि के, देखो मान लो ये अदिश राशि है फाई, किसी अदिश राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो। क्या कह रहा हूं मैं? किसी अदिश राशि के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उस अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो, अदिश क्षेत्र कहलाता है। अदिश क्षेत्र को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई से। अदिश क्षेत्र फाई बराबर क्या? फाई यू वन यू टू यू थ्री। यहां यू वन यू टू यू थ्री क्या है? वक्र रेखीय निर्देशांक है। क्या है? वक्र रेखीय निर्देशांक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या लेते थे इनकी जगह? एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिए? यू वन यू टू यू थ्री। तो ये यहां पर यू वन यू टू यू थ्री क्या है? वक्र रेखीय निर्देशांक है। एग्जाम्पल बच्चों क्या है इसके? अदिश क्षेत्र के विद्युत विभव है, चुंबकीय विभव है, गुरुत्वीय विभव है, ताप है, घनत्व है, इत्यादि। ये आदि क्या है? इसके उदाहरण है, ठीक है। बच्चों इसी तरह से अपन बात करते हैं कि सदिश क्षेत्र क्या है। सदिश क्षेत्र की अपन बात करते हैं।
ये तो बात किसकी हुई, अदिश क्षेत्र की। अब मैं सदिश क्षेत्र की बात करता हूं। सदिश क्षेत्र, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, जो मैं निर्देशांक U1, U2, U3 मान रहा हूं यहां पर, ये ए वेक्टर है U1, U2, U3, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र क्या होता है, किसी सदिश राशि के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस सदिश राशि का परिमाण और दिशा प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करती हो, क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। और सदिश क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ए वेक्टर से। तो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ U1, U2, U3। यहां U1, U2, U3 क्या है, वक्र रेखीय निर्देशांक है। क्या है, वक्र रेखीय निर्देशांक है, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल क्या क्या है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, बल है, बलागुण है, संवेग है, वेग है, इत्यादि। ये क्या है, सब सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बच्चों आगे बात करते हैं अपन, देखो जो यूनिट है उसका नाम क्या है, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो यहां पर मैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करने से पहले बच्चों आप लोगों से पूछता हूं कि निर्देश तंत्र क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, निर्देश तंत्र क्या है, क्या है निर्देश तंत्र, ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति वेग एवं त्वरण का मापन कर सकते हैं, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। और सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा होता है बच्चों, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की अब बात करते हैं, जब निर्देश तंत्र की बात हो गई तो फिर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है। तो मैं टॉपिक डालता हूं, जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आ जाता हूं अब मैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, आप लोग भी अच्छे से बनाना डायग्राम, ये इस तरह से बनाना है आपको। देखो ये है U1 वक्र रेखा, बच्चों इसको बोलते हैं U2 वक्र रेखा, ठीक है, और इसको बोलते हैं U3 वक्र रेखा, और ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। मैं क्या करता हूं, यहां से देखो एक स्पष्ट रेखा खींच देता हूं बच्चों, इसको कहते हैं U1 अक्ष। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहां पर भी एक स्पष्ट रेखा खींच देता हूं, इसको बोलते हैं U2 अक्ष। इसी तरह से मैं यहां पर भी एक स्पष्ट रेखा खींच देता हूं, इसको बोलते हैं U3 अक्ष। अब मैं आपके लिए कार्तीय निर्देश तंत्र भी बनाता हूं। देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में आप किस तरह से लिखते थे, थोड़ी सी इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ये x, ये y और ये
जेड है आपका, ठीक है। इस एक्स और वाई पर क्या लिखते हो आप बच्चों, जेड क्या होता है, कांस्टेंट। इसी तरह से वाई और जेड पर क्या होता है, एक्स कांस्टेंट होता है। इसी तरह से एक्स और जेड पर क्या, वाई कांस्टेंट होता है और इसका मूल बिंदु। यही बात यहां पर कर लेते हैं, यू वन और यू टू पर क्या, यू थ्री क्या होगा, कांस्टेंट। इसी तरह से बच्चों यू टू और यू थ्री पर क्या, यू वन कांस्टेंट। इसी तरह से U1 और U3 पर क्या, U2 कांस्टेंट, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनो आप, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है, किसी बिंदु तथा कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है और तीन पृष्ठों का ऐसा समुच्चय जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में तीन समतलों x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट का प्रतिच्छेदन होता है, उसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन पृष्ठों u1 कांस्टेंट, u2 कांस्टेंट, u3 कांस्टेंट का प्रतिच्छेदन होता है, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या है, किसी बिंदु तथा कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है और तीन पृष्ठों का ऐसा समुच्चय जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में तीन समतलों x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट का प्रतिच्छेदन होता है, उसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन पृष्ठों u1 कांस्टेंट, u2 कांस्टेंट, u3 कांस्टेंट का प्रतिच्छेदन होता है, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखो कुछ बातें हैं काफी अच्छी है इसके लिए, वो भी सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। ये क्या था यूवन, सुनो यहां लिख रहा हूं मैं, किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्र रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, किन्हीं दो पृष्ठों के, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्र रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि वक्र रेखा और निर्देशांक रेखा क्या है, एक ही है, तो यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, या निर्देशांक रेखा। इसी तरह से U1 वक्र रेखा या निर्देशांक रेखा, U2 वक्र रेखा या निर्देशांक रेखा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सुनो अब, क्या कह रहा हूं मैं, यू वन कॉन्स्टेंट तथा यू टू कॉन्स्टेंट पृष्ठों के लिए निर्देशांक रेखा U3
वक्र रेखा कहलाती है। चेक करें इसे, देखो U1 कांस्टेंट और U2 कांस्टेंट प्रश्नों के लिए निर्देशांक रेखा, U3 वक्र रेखा कहलाती है। मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि निर्देशांक रेखा ही क्या है, वक्र रेखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, U2 कांस्टेंट तथा U3 कांस्टेंट प्रश्नों के लिए निर्देशांक रेखा, निर्देशांक रेखा क्या, U1 वक्र रेखा कहलाती है। चेक करें U2 कांस्टेंट और U3 कांस्टेंट, देखो U2 कांस्टेंट ये रहा और U3 कांस्टेंट प्रश्नों के लिए जो निर्देशांक रेखा है वो क्या कहलाती है, U1 वक्र रेखा कहलाती है, U1 वक्र रेखा कहलाती है। लास्ट पॉइंट और देखते हैं, तीसरा U3 कांस्टेंट तथा U1 कांस्टेंट प्रश्नों के लिए निर्देशांक रेखा क्या, U2 वक्र रेखा कहलाती है। वापस से देख लेते हैं, U3 कांस्टेंट और U1 कांस्टेंट प्रश्नों के लिए वक्र रेखा क्या, U2 वक्र रेखा या निर्देशांक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लो आप, नोट करने का मतलब सिर्फ आपको पॉज करना है वीडियो को। देखो आप काफी इंपॉर्टेंट लाइन और लिखता हूं मैं, एक आधे नंबर में पूछी जाएगी। क्या है ध्यान देना, यहां लिखता हूं मैं, किन्हीं दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशांक कक्ष कहलाती है। क्या कहा मैंने, देखो किन्हीं दो वक्रों के, यहां वक्र बोल रहा हूं मैं, जैसे एक वक्र ये रहा दूसरा वक्र ये रहा, किन्हीं दो वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से, ये रहा प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, निर्देशांक कक्ष कहलाती है। तो ये क्या है, निर्देशांक कक्ष है, ये भी क्या है, निर्देशांक कक्ष है, ये भी क्या है, निर्देशांक कक्ष है। जबकि यहां पर क्या कहा था मैंने पहले वाली लाइन में, कि किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्र रेखा निर्देशांक कक्ष कहलाती है, ठीक है, निर्देशांक रेखा कहलाती है, सॉरी। और यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, कि किन्हीं दो वक्रों के, ये वक्र है ये वक्र है, प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, निर्देशांक अक्ष कहलाती है, ठीक है। देखो बच्चों, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति के निर्देशांक क्या होते हैं, U1 U2 U3 होते हैं, जो कार्तीय निर्देशांकों से संबंधित होते हैं। किससे, कार्तीय निर्देशांकों से। कैसे, देखो यहां पर लिखता हूं मैं, x इज द फंक्शन ऑफ U1 U2
u3। ऐसे ही y इज द फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 और z इज द फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। ठीक है, और प्रतिलोम रूपांतरण इनवर्स ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोम रूपांतरण क्या होगा, u1 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u2 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u3 इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ओके okay?